अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ब्राउन ड्रमस्टिक करी, जो बहुत यम्मी बन के रेडी होता है और साथ में बहुत आसान है बनाना भी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, करी के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसमें एक कप नारियल, कुछ धनिया पत्ते, लहसुन, मिर्ची और ज़ीरा, इसका फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। और इसमें कुछ ड्राई मसाला ऐड करेंगे, हल्दी, मिर्ची आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, और धनिया, नमक डाल के इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो गया है और एक पॉट में हम तेल ऐड करेंगे और उसमें कुछ करी पत्ता ऐड करेंगे और जो हमने तैयार किया हुआ मसाला यहाँ शामिल करके इसे अच्छे से भुनेंगे। भुनाई अच्छा करना होगा, हमें पेशेंस के साथ भुने, लेजी नहीं करें। और यहाँ हमारे मसाला अच्छे से भुन गया तो हम यहाँ पोटैटो ऐड करेंगे। आलू को मसालों के साथ भुनेंगे और उसमें थोड़ा सा गरम पानी भी डाल देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। फिर यहाँ हम इसे कवर करके कुक करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। बीच में मैंने और थोड़ा पानी ऐड किया था, आप लोग को लगे तो शामिल करें। और इसे पका लेंगे हम। यहाँ ऑयल लूज़ आउट हो चुका है, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे ड्रमस्टिक्स, जिसे फली भी कहते हैं। इनको भी मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे 2 मिनट के लिए और इसमें हम पानी शामिल करेंगे। आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश यही रहेगा कि मैं आप लोग के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करूं। चलिए अब रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। यहाँ मैंने पानी ऐड किया है और ये है कोकम, साथ में नींबू भी ऐड किया है मैंने। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हो इसके जगह पे। ये एडजस्ट किया है मैंने नमक, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करो। इसे 1 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे हम प्राउन्स और उसे भी हम स्लो आंच पे 10 टू 15 मिनट्स कुक करेंगे। प्राउन्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है। देखिए हमारी प्राउन्स करी रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और राइस के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।